ये लगाना पड़ेगा। चलो सीयर एंट्रेंस लेक्चर नंबर वन फॉर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। और ये बोर्ड एग्जाम्स पढ़ा है, थोड़ा सिनेप्स से मतलब रिवाइज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वो भी कैसा होगा, लेवल वाइज, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। और उसके बाद आपको जितने भी सारे क्वेश्चन जो भी एंट्रेंस के लिए पूछे थे वो करेंगे, समझे। इतना सारा सिलेबस अभी कवर होने वाला है, तो हम सिनेप्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम डालेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग जो है इसका क्या है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमिनक्लेचर, मेथड प्रिपरेशन, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द यूजेस, सब में यही रहेगा। लेट्स सी, इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल, इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल, अल्कोहल्स नथिंग बट दैट द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ, या H2 का भी ना, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। यहाँ पे H2 में से एक H निकलेगा और R आएगा, राइट, मोनो आएगा वहां पे, मीन्स अल्केन हाइड्रोकार्बन्स, एंड देन वन एच रिप्लेस बाय द वन OH ग्रुप, नाउ रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, वी गेट द विथ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीन्स ROH फॉर्म, राइट, अल्कोहल इज कॉल्ड एज अल्कोहल। अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, और नोन एज अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल CH3OH इज नोन एज मिथाइल अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। C2H5OH इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। आवाज बराबर आ रही है सबको? प्रगति, वैष्णवी, ओके, इथाइल अल्कोहल, ठीक। इसके ऊपर क्या MCQ है, देखो, RH means what? ऑप्शन नंबर वन अल्केन, ऑप्शन नंबर टू अल्काइन्स, ऑप्शन नंबर थ्री अल्कीन, ऑप्शन नंबर फोर बोथ ए एंड बी, व्हाट आर यू? क्या है यार? अल्केन अल्केन इज अल्केन, राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट, फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH, OH। नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये किसका ग्रुप है? ईथर का। एक इसका है अल्कोहल का, एक इसका अल्कोहल एसिड का, एक इसका है एल्डिहाइड का, राइट। सो आंसर इज OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल्स आर डैश डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल्स आर डैश डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कीटो, हाइड्रोक्सिल या एल्डिहाइड या हेलोजन, क्या होगा? बी, C2H5OH, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, फर्स्ट मिथाइल अल्कोहल, सेकंड इज बीटा अल्कोहल, थर्ड इज इथाइल अल्कोहल, फोर्थ इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट वन, क्लासिफिकेशन अल्कोहल पार्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल,
triadic alcohol and what is a polyhydric. Monohydric means what is a one OH, diadic means two OH are there. Then triadic means three OH and polyhydric means more than three. What is a polyhydrics? उसके बाद अगेन दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 राइट फॉर एग्जांपल CH3OH क्या हो गया मिथाइल अल्कोहल हाउ मेनी हाइड्रोल ग्रुप्स डज इट कंटेन वन सो इट इज नोन एज अ कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप सो इट्स कॉल्ड अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स नोन एज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स नेक्स्ट OH2OH आर देयर कॉमन नेम इसका क्या है इथिलीन ग्लाइकोल टू कार्बन कार्बन टू C2H4 एंड 2OH इसलिए क्या आ गया इथिलीन ग्लाइकोल व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड IUPAC नेम क्या होगा व्हाट विल बी द IUPAC नेम IUPAC नेम में नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं कितने टू है टू कार्बन क्या बोलते हैं इथेन बोलते हैं राइट इसमें क्या 2OH है 2OH मतलब क्या हो गया डायोल वन टू बराबर वन टू मीन्स IUPAC नेम क्या होगा इसका एथेन वन टू कंटेन टू ओ एच ग्रुप सो IUPAC नेम इज एथेन वन टू क्या गया एथेन वन टू डायोल समझा इज अ डायहाइड्रिक अल्कोहल क्या है डायहाइड्रिक क्वेश्चन आ सकता है अमंग द फॉलोइंग इज डैश इज अ डायहाइड्रिक इसमें 2OH है वो कौन है डायहाइड्रिक 1OH क्या हो गया मोनोहाइड्रिक नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे OH 3OH आर देयर CH2 मींस थ्री कार्बन आर थ्री कार्बन इज कॉल्ड प्रोपेन 3OH सो थ्री कार्बन मींस 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 तीन है तो ट्रायल तीन है क्या ट्रायल सो कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन ग्लिसरॉल तीन तीन OH है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड 1 2 3 थ्री कार्बन थ्री OH थ्री कार्बन इज नोन एज अ प्रोपेन एंड थ्री OH इज अ ट्रायोल फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन एड तो 1 2 3 क्या होगा ट्रायोल तो IUPAC नेम इज अ प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल कंटेनिंग 3OH सो इन वन इज अ ट्राय हाइड्रिक अल्कोहल कॉल इज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यहां पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग 4 or more than 4 OH ग्रुप दिस इज कंपाउंड डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सॉर्बिटॉल क्या है सॉर्बिटॉल राइट क्या है नाम इसका सॉर्बिटॉल कितने यहां पे OH 4 5 6 टोटल 6 OH है लॉन्ग चेन में कार्बन कितने हैं 4 5 6 कितने 6 कार्बन है सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सॉर्बिटॉल इस अ पॉलीहाइड्रिक नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड दे क्लासिफाई एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच देर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स First one, alcohol containing sp3OH bond, and second is alcohol containing what is a sp2. क्या होगा sp2OH bond. Alcohol containing sp3OH and what is a alcohol containing what is a sp2OH. जब detail में नहीं आएंगे, पटापट करेंगे. sp3 का मतलब जहाँ पे क्या था ना four bond रहेंगे कितने four bond. sp2 जहाँ पे क्या एक क्या होता है double bond होता है. क्या होगा double bond. MCQ, first one, CH2, OH, right? Is a dash. Option चाहिए देखो ऑप्शन देख के आपको आंसर है क्यों कभी आपको नेम ही देख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन नाम बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक ड्रायहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक ऐसा बोल सकते हैं या नेम लेकिन तो नेम यहाँ पे क्या बोला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल उसके बाद क्या ट्राइहाइड्रिक नेक्स्ट क्या है डी टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल तो क्या होगा ये व्हाट इज इट्स ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कौन नहीं है OH कितने इसके 3OH है तो क्या हो गया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल इट इज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल
Next, classification of alcohol, part 2. Alcohol containing sp3oh bond. Alkyl alcohol. Okay, alkyl alcohol. sp3 wale sab. There are three types of alkyl alcohols. Do you know? Primary, secondary, tertiary. Primary, secondary, and tertiary. So first one, primary alcohol. Second, secondary alcohol. And third is a tertiary alcohol. Means OH group attached to the primary carbon atom, OH group attached to secondary carbon atom, and OH group attached to the tertiary carbon atom. So they classify primary, secondary, and is a tertiary. Alkyl alcohol. Primary alcohols, for example, CH3CH2OH. Name of compound is a CH2CH2 carbon is ethane. Ethane में यहाँ पे क्या है? OH है. तो ethane का क्या होगा? Ethanol. Numbering होगा? नहीं. क्योंकि दो ही carbon है. यहां से 1 2 वहां से भी क्या हो गया 1 2 तो इथेनॉल. टू व्हाट टाइप ऑफ द कार्बन ओएच ग्रुप इज अटैच्ड हियर. दिस कार्बन हैव 4 बॉन्ड. मींस ओएच अटैच कार्बन इज व्हाट इज sp3. क्या ही है? sp3. ओएच अटैच कार्बन इज व्हाट? sp3. तो ये किसमें आएगा? अल्काइल अल्कोहल कंटेनिंग sp3 कार्बन. प्राइमरी राइट. सो इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल. In a primary alcohol, hydroxyl group is attached to the primary carbon atom. Should go primary carbon. Next, secondary means OH group attached to the secondary alcohol, secondary carbon. In secondary alcohol, hydroxyl group attached to the secondary carbon atom. For example, CH3CH3. ये कार्बन है कौन है? सेकेंडरी है. या वो कौन है? sp3 है. sp3 containing alkyl alcohol. क्या ये? अल्काइल अल्कोहल. जो क्या है यहाँ पे? कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी है. sp3 भी है, सेकेंडरी भी है. ये कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी कौन है? sp3 है, राइट? और इसको OH अटैच्ड है सेकेंडरी को. इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल. नेम 1 2 3 कार्बन इसको बोलते हैं प्रोपेन. सेकेंड वाले को अटैच है प्रोपेन टू ऑल. नेक्स्ट अल्काइल अल्कोहल प्राइमरी. रिपीट हुआ, टच हुआ क्या? सेकेंडरी आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल. सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी. या आईपीएसी नेम क्या उसका? प्रोपेन टू और प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल बोल सकते हो, या प्रोपेनॉल करके टू लिखेंगे तो चलेगा. पहले कैसा था नेम? ये था. अभी क्या आ गया? ये आ गया प्रोपेन टू ऑल. नेक्स्ट अल्काइल अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल. इन टर्शियरी अल्कोहल हाइड्रोजन ग्रुप अटैच टू द टर्शियरी कार्बन एटम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3CH3CH3OH. व्हाट इज द कॉमन नेम? व्हाट इज द आईपीसी नेम? बोलो फटाफट. व्हाट इज द कॉमन नेम? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. कॉमन नेम बोलो. कॉमन नेम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. टोटल 4 कार्बन आर देयर. ब्यूटाइल हो गया और ये टर्शियरी है. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. IUPAC name, longest chain 3 carbon, propane हो गया. second को कौन है? CH3 है. second को कौन है? OH है. propane 2 methyl propane 2 all. 2 methyl propane 2 all. okay, check this. tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol या tertiary butyl alcohol or butyl, tertiary butyl alcohol or you can write tert butyl alcohol. स्टार कार्बन इज व्हाट इज अ टर्शियरी कार्बन. प्राइमरी कार्बन एंड अदर्स आर द प्राइमरी. नंबरिंग 1 2 3 करेंगे यहाँ पे. तो नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल आईपीसी. अल्कोहल कंटेन sp3oh बॉन्ड. एक एलिलिक. क्या है? एलिलिक. एलिलिक अल्कोहल. एलिलिक अल्कोहल मींस जहां पे ओएच ग्रुप किसको रहेगा? sp3 को ही रहेगा, लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड भी रहेगा. मतलब जहां पे OH अटैच है वो कार्बन कौन रहा? sp3. लेकिन उसके बाजू वाला, उसके चेन में कौन हो सकता है? sp2 डबल बॉन्ड होगा. उसको बोलेंगे एलिलिक अल्कोहल. इट्स कॉल्ड एलिलिक अल्कोहल. मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू sp3. इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सी डबल बॉन्ड सी. उसको क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन. क्या बोलेंगे इसको? एलिलिक कार्बन.
means they are classified again to primary allylic, secondary allylic, and what is the tertiary allylic. There are three types of the allylic alcohols: primary, secondary, and tertiary. Allylic alcohol primary is mean, for example, CH2CH2H. जहाँ पे OH है, ये OH इस कार्बन का अटैच है, इसके बाजू वाला कार्बन ये है, ये कौन है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कहाँ पे आ गया? एलिक में आ गया. और प्राइमरी कार्बन का कौन अटैच है? OH है, इसलिए क्या हो गया? प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल, इसको कॉल प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल. समझा? नेमिंग इसका देखो, 1, 2, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब हो गया प्रोपेन है, डबल बॉन्ड है, प्रोपीन हो गया. डबल बॉन्ड कहां पे है? वो नंबरी कहां से होगी? OH से होगी. 1, 2, 3. सेकेंड और थर्ड में क्या है? डबल बॉन्ड है, प्रोपेन 2EN हो गया, और प्लस उसके बाद क्या है? 1OH है, तो 1OL हो गया, राइट? प्रोपेन 2EN 1OL. समझा नेमिंग? पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे OH ग्रुप जहां से वहां से नंबरिंग हो गया 1, 2, 3. सेकेंड और थर्ड पे यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है. सेकेंड थर्ड पे क्या है? डबल बॉन्ड, इसलिए क्या हो गया? प्रोपेन 2EN. और OH ग्रुप फर्स्ट वो है, इसलिए क्या हो गया? 1OH. इसलिए प्रोपेन 1OL लिखते हैं. प्रोपेन 1OL का प्रोपीन, लेकिन प्रोपीन में क्या है? सेकंड पे है, प्रोप 2EN. सेकेंडरी अल्कोहल, एलिक अल्कोहल, यहाँ पे CH2CH और OH. यहाँ पे OH देखो, OH अटैच कार्बन इज अ सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है. अब उसके बाजू वाला कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड वाला है, C डबल बॉन्ड C, इसलिए एलिलिक हो गया, लेकिन सेकेंडरी है. तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल. नंबरिंग देखो, यहां से करो 1, 2, 3. सेकंड यहां से नजदीक है, 1, 2, 3, 4. थर्ड और फोर्थ में है, कौन है? 1, 2, 3, 4. फोर कार्बन है, तो ब्यूटेन हो गया. ब्यूटेन का ब्यूटीन बन गया, लेकिन ब्यूटेन कहां पे है? थर्ड और फोर्थ पे है. ब्यूट 3EN 2OL, ब्यूट 3EN 2OL. टर्शियरी, फॉर एग्जाम्पल CH2CH3OH. OH अटैच कार्बन इज अ टर्शियरी कार्बन, एडजेसेंट कार्बन इज अ C डबल बॉन्ड C. OH अटैच कार्बन इज अ टर्शियरी, एंड टर्शियरी कार्बन के बाजू वाला कार्बन कौन सा है? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, एंड देन टर्शियरी कार्बन OH इज नोन एज अ टर्शियरी एलिलिक अल्कोहल. क्या नाम दिया? टर्शियरी एलिलिक अल्कोहल. नेमिंग देखो, 1, 2, 3, 4 हो गया. थर्ड और फोर्थ पे यहाँ पे है, देखो OH पे ब्रांच है, CH3 यहाँ पे है. सेकंड पे क्या? CH3 है, 2-methyl. लॉन्गेज चेन में 4 है, क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया. ब्यूटीन क्या बन गया? ब्यूटीन. ब्यूटीन कौन सा? ब्यूट 3EN, ब्यूट 3EN 1OL, मींस 2-methyl ब्यूट 3EN 2OL. समझा? 2-methyl ब्यूट 3EN 2OL. नेक्स्ट टेस्ट, CH2CH2OH इज डैश प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, पूरा अल्कोहल के सब प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी और क्या दिया? क्वार्टरनरी. प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी. OH अटैच जो है कौन है? प्राइमरी, बाकी कुछ भी देखने का नहीं है. अल्कोहल की बात की है, OH कहां पे देखो? OH जून लिया प्राइमरी को, तो क्या हो गया? सीधा सीधा प्राइमरी. नेक्स्ट एमसीक्यू, CH3CHOH. CH3 अगेन, CH3 प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन की जरूरत है नहीं है. टर्शियरी अल्कोहल एंड वर्ज क्वार्टरनरी, क्या होगा? टर्शियरी. Which one of the following is a secondary alcohol? सोच समझ के आंसर देना. 2-methyl-2-propanol, 1-propanol, 1-butanol and 2-pentanol. चाहे तो स्ट्रक्चर डॉ करके चेक कर सकते हो. 2-methyl-2-propanol, 1-propanol, 1-butanol, 2-pentanol. सुधा, प्रगति, give me answer, reply. मैसेज में reply करना आपको privately.
बोलो अच्छे डी टू पेंटेनॉल फाइनल। देखो टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल कौन ही है टर्शियरी है राइट। वन प्रोपेनॉल तो प्राइमरी है, वन ब्यूटेनॉल ये भी क्या प्राइमरी है, टू पेंटेन टू पेंटेनॉल मतलब पेंटेन टू वाला, टू पेंटेनॉल का मतलब क्या पेंटेन टू ऑल है। सेकंड नंबर पे क्या है ओएच है, ये क्या हो गया सेकंडरी। नेक्स्ट है टू मिथाइल पेंटेनॉल इज डैश, टू मिथाइल पेंटेनॉल इज डैश, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ। बोलो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टू मिथाइल पेंटेन वन ऑल, पेंटेन पेंटेन ऑल या पेंटेन वन ऑल क्या होगा प्राइमरी फर्स्ट पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सी एच टू ओ एच सी एच टू एच, क्वेश्चन देखो पहले क्या है इज अ डैश, इज अ डैश फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड टर्शियरी और फोर्थ कार्बिनॉल। कौन है इज इट प्राइमरी सेकंड टर्शियरी और कार्बिनॉल। बोलो प्रगति अभिषा कुछ तो बोल, रॉन्ग बोल लेकिन बोल। क्या है डी सेकंड सेकेंडरी सेकेंडरी क्या बोलता है ओएच जब सेकेंडरी कार्बन को अटैच हो तो सेकेंडरी कार्बन है क्या, एक सेकेंडरी कार्बन है क्या नहीं है तो क्या होगा प्राइमरी होगा। अल्कोहल पिलोन मिले ना क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट टू, अल्कोहल कंटेनिंग sp3oh बॉन्ड बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब एक बेंजीन रिंग उसके बाद उसके साथ कौन है अल्काइल ग्रुप या कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे बेंजाइलिक, ओनली बेंजीन तो फिनल हो गया। लेकिन बेंजाइल के साथ एक कार्बन है या दो कार्बन है तीन कार्बन अल्काइल ग्रुप कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक भी बन सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बनेगा ना, बेंजाइलिक प्राइमरी हो सकता है बेंजाइलिक सेकेंडरी हो सकता है बेंजाइलिक टर्शियरी हो सकता है राइट। सो दिस अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स एट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस बेंजाइलिक अल्कोहल, फर्स्ट प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल्स मींस ओएच ग्रुप अटैच्ड टू द अल्काइल ग्रुप नॉट आरआइल। बेंजाइलिक में कैसा आता है ओएच ग्रुप कहां पे अटैच रहेगा अल्काइल ग्रुप को रहेगा, दो ग्रुप यहाँ पे अल्काइल भी है और क्या आरआइल है, लेकिन जो ओएच ग्रुप है किसको अटैच रहेगा अल्काइल वाले। देखो ये सी एच टू और यहाँ पे ओएच है, ओएच यहाँ पे अटैच होता है तो नहीं आता, ओएच कहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच, ये कार्बन कौन सा है प्राइमरी है बराबर, ये कार्बन कौन सा है प्राइमरी क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे जो कार्बन इसको अटैच है राइट, मतलब ये क्या हो गया प्राइमरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल राइट। मिस बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा बेंजाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका वन फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल कार्बन नंबर वन चलेगा। सेकंड सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल फॉर एग्जांपल यहां पे ओएच है ओ कार्बन कौन सा है सेकेंडरी, इसीलिए यहां पे क्या हो गया सेकेंडरी, उसके साथ कौन है बेंजाइलिक, इसलिए बेंजाइलिक अल्कोहल है लेकिन कौन सा है सेकेंडरी। वन और टू सेकंड पे देखो फर्स्ट ये हो गया सेकंड, नंबरिंग इधर से हो रहा है राइट क्योंकि अल्काइल ग्रुप में नहीं यहाँ पे वन टू, तो फर्स्ट को यहाँ पे कौन है
फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे वन फिनाइल हो सकता है, वन फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट टर्शियरी बेंजाइल अल्कोहल, फॉर एग्जांपल ओएच अटैच है, ये कार्बन कैसा है, टर्शियरी है, यहाँ पे वन टू थ्री कार्बन का अटैच है, टर्शियरी बन गया, ओएच है वन टू थ्री, अभी सेकंड पे आ गया टू, फिनाइल कितने कार्बन है, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन को प्रोपेन, प्रोपेन का ऑल, प्रोपेन टू ऑल, बराबर। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल्स कंटेनिंग नाउ व्हाट, एसपी टू, एसपी थ्री हो गया, एसपी पहला कौन सा था, अल्कालिक अल्कोहल था, सेकंड कौन सा था, बेंजाइल अल्कोहल, एसपी थ्री में दो है, राइट। अभी एसपी टू जिसमें है वो अल्कोहल कंटेनिंग व्हाट, एसपी टू ओएच बॉन्ड, ओएच ग्रुप इज अटैच्ड टू द एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दैट इज विनिलिक कार्बन और एराइल कार्बन, दीज अल्कोहल्स आर ऑल्सो नोन एज विनिलिक अल्कोहल्स और द फिनॉल्स, क्या बोलेंगे, विनिलिक या फिनॉल्स, राइट। ओएच अटैच है ना, फिनॉल का भी देखो, फिनॉल का जो कार्बन है सी वहां पे ओएच अटैच है, फिनॉल का कार्बन वहां पे ओएच अटैच है, तो उसको उसको भी बोल सकते ना, क्योंकि फिनॉल में डबल बॉन्ड है वहां पे, जो कार्बन फिनॉल का हर एक कार्बन कैसा है, फिनॉल का एक कार्बन हर एक कार्बन जहां पे कैसा है, डबल बॉन्ड वाले ने sp2 ये है, ये कार्बन कौन सा, यहां पे OH अटैच है, एंड ये कार्बन जो है कौन सा है, sp2 है ना, sp2 है, उसको OH अटैच है, तो उसको हम बोल सकते हैं फिनॉल, राइट। फॉर एग्जाम्पल हियर OH अटैच टू सी डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हो गया sp2, ये कौन सा होता है sp3 sp2, ये है sp2, ये भी sp2 ही है, विनाइल अल्कोहल, या ये भी फिनॉल है, ये कौन है, फिनॉल है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही होना चाहिए OH, ऐसा इधर भी हो सकता है किधर, फिनॉल। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, In alkyl alcohol, OH group attached to dash hybridized carbon atom. In alkyl alcohol, OH group is attached to dash hybridized carbon atom sp2, sp3, sp3, or sp3, alkyl alcohol. Vinyl hota, to hota tha sp2. In secondary alcohol, hydroxy group is attached to dash carbon atom. Simple sa hai. Kahan pe rahega? In secondary, hydroxy group attached to dash carbon. Right? Kya hoga? Secondary. CH2OH is dash. Primary benzylic alcohol. Secondary benzylic alcohol. टर्शरी बेंजालिक अल्कोहल या नन ऑफ दिस, बोला ये प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल, प्राइमरी क्यों, रीजन ओए जहां पे अटैच है वो कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, तो प्राइमरी हो गया, उसके साथ कौन है, रिंग है बेंजाइल अल्काइल बेंजीन रिंग, अल्काइल प्लस फिनाइल क्या हो गया, बेंजालिक, राइट, प्राइमरी बेंजालिक अल्कोहल, क्या ना चाहिए, प्राइमरी बेंजालिक अल्कोहल। इन विनिलिक अल्कोहल ओएच ग्रुप इज अटैच्ड टू डैश हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी, एसपी टू, एसपी टू इज द राइट आंसर। दिस पार्ट थोड़ा सा आगे जाते हैं और दूसरे स्लाइड पे, चलो कंटिन्यू। अल्कोहल फिनॉल इथर नॉमिनक्लेचर स्ट्रक्चर कॉमन नेम, बराबर नॉमिनक्लेचर पार्ट है, सी एच थ्री ओ एच क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल अल्कोहल, यानी कि आईपीएसी नेम क्या होगा,
मिथेनॉल कॉमन नेम है देखो कॉमन नेम ऑफ अल्काइल इज मिथाइल प्लस अल्कोहल दैट इज अ मिथाइल अल्कोहल आईयूपीएसी नेम क्या है उसका वन कार्बन है वन ओएच है इसलिए क्या हो गया मिथेनॉल रूट वर्ड एन प्लस ओएल रूट वर्ड प्लस एन प्लस ओएल मिथेन एन प्लस ओएल मिथेन एम ई टी एच एन ओएल मिथेनॉल एन प्लस क्या हो गया ओएल याद रखना वो नेक्स्ट सेकंड CH3CH2OH क्या बोलते इसको इथेनॉल बोलते राइट ना इथेनॉल बराबर है जो वाइन्स में यूज करते हैं वो कौन है इथेनॉल इथाइल अल्कोहल इथेनॉल नेक्स्ट CH3CH2CH2OH क्या है ये क्या ये कॉमन नेम क्या है इसका प्रोपाइल अल्कोहल लेकिन प्रोपाइल अल्कोहल बोलने से नहीं चलेगा प्रोपाइल अल्कोहल आवाज यन प्रोपाइल अल्कोहल वन टू एंड व्हाट इज थ्री फर्स्ट कार्बन को ओएच अटैच है इसलिए क्या होगा यहाँ पे वन टू थ्री कार्बन मतलब प्रोपेन हो गया प्रोपेन पे फर्स्ट है प्रोपेन वन ऑन एग्जाम्पल नंबर फोर सी एच थ्री सी एच ओ एच कौन है सेकेंडरी है इसलिए यहाँ पे कॉमन नेम क्या होगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल या आइसो प्रोपाइल अल्कोहल आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल आईयूपीएसी नेम इज वन टू सेकेंड इज प्रोपेन टू ऑल Propane to all. Next structure CH3CH2CH2CH3OH. इधर ऐसा यहाँ पे होना चाहिए. देखो CH3CH2CH2CH2OH ऐसा है. OH यहाँ पे CH3CH2CH2CH2OH होना चाहिए. इसे लिखो. ये M butyl क्या है? अल्कोहल है. प्राइमरी है. एक्चुअली यहाँ पे आया नहीं. आगे नीचे गया. IUPAC नेम क्या होगा इसका ब्यूटेन वन ऑन ब्यूटेन वन ऑन नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2CH फोर कार्बन है ये भी ब्यूटेनॉल है लेकिन OH कहां पे सेकंड पे है तो ब्यूटेन टू ऑल होगा और कॉमन नेम क्या आना चाहिए कॉमन नेम क्या आना चाहिए सेकेंडरी या बिटेन टू ऑल अब ये बोलो ये कौन है टर्शियरी है टर्शियरी ना टर्शियरी बिटाइल अल्कोहल वन टू थ्री टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट सी एच थ्री सी एच सी एच टू ओ एच सी एच थ्री वन टू थ्री देखो कार्बन यहां पे वन टू थ्री ब्रांच है राइट सेकंड पे ब्रांच आ रही है ऐसा करें लॉन्गेज में कितना आ रहा है थ्री आ रहा है थ्री मतलब प्रोपेन हो गया प्रोपेन वन ऑन और सेकंड है टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑन आइसो बिटाइल यहां पे ब्रांच इसके ओएच छोड़ के यहां पे इसलिए आइसो हो गया वन टू थ्री और टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑन नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो स्ट्रक्चर नंबर नाइन कार्बन के देखो लॉन्गेज देखो पहले वन टू थ्री बराबर ऐसा करो तो भी ये भी करेंगे थ्री है ये करेंगे तो भी थ्री है OH फर्स्ट पे है और सी एच थ्री दो सेकंड पे है तो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन वन ऑन बराबर बराबर ना और टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है पेंटाइल है राइट और ये छोड़ के OH जो अटैच है वो कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन को क्या है यहाँ पे CH3 तीन देखो इसलिए क्या हो गया न्यू न्यू पेंटाइल जरा मोस्टली आपको क्या देखना है IUPAC नेम देखना है टू टू डायमिथाइल प्रोपेन वन ऑन नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे CH3 CH CH CH3 बहुत बड़ा है देखो स्ट्रक्चर
सोचना जरा सा, OH यहाँ पे है, यहाँ पे OH है, राइट। लॉन्ग चेन पकड़ो, 1 2 3 4 5, ये हो सकता है, या 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, ये भी ऐसा भी हो सकता है, राइट। अलग अलग लॉन्ग चेन, यहाँ पे जो है आप ये स्टेट में लॉन्ग चेन है, ये भी लॉन्ग चेन है, ये भी लॉन्ग चेन हो सकता है, या ये भी लॉन्ग चेन हो सकता है, देखो ना 1 2 3 4 5 हो सकता है, राइट ना, या ऐसा भी हो सकता है, राइट। कौन सा भी लॉन्ग चेन लेंगे यार, देखो अभी नियरेस्ट देखते कौन कौन, OH 1 2 3 यहां से करेंगे तो 1 2 3 आ रहे हैं, थर्ड पे ही है, तो नंबरिंग दो 1 2 3 4 और ये 5, ये चलेगा, ये चलेगा, ये साइड बराबर है, बराबर 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे दो दो सी एस थ्री, यहाँ पे एक ही सी एस थ्री है, सेकंड पे है दो सी एस थ्री और फोर्थ पे एक है, तो फिर कितने 3 CH3 है, 2 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 2 कॉमा 4 ट्राइमिथाइन, ये क्या हो गया 1 2 3 पेंट, पेंट और 3 OH, बराबर। इसलिए ये किसका आपको कॉमन नेम दिया नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ क्या करना है आपको, ज्यादा कार्बन रहेंगे तो वहां पे कॉमन नेम देखने की जरूरत नहीं, आपको क्या रखना है IUPAC नेम ही देखना है, राइट। देखो फॉर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ द कॉमन नेम IUPAC नेम इज अ मोर प्रेफर्ड फॉर एग्जाम्पल, राइट है, ट्राइमिथाइल पेंटेन 3, समझा। नेक्स्ट बोलो आप लोग, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, बराबर 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 4 कार्बन, इसका मतलब क्या हो गया ब्यूटेन। OH कहां पे, सेकंड पे और क्या थर्ड पे है, 2 OH है तो क्या बोलते हैं इसको, डायल बोलते हैं, 3 OH के लिए बोलते हैं ट्रायल, राइट। ये ट्रायल है क्या, क्या है ट्रायल, सेकंड और क्या थर्ड, यहां से करेंगे तो सेकंड और क्या थर्ड, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटेन 2 3 डायल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH CH2 CH, बाकी कोई ग्रुप नहीं है, OH दो दो ग्रुप है, 1 2 3 1 2 3, देखो यहाँ पे 2 है, ये 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 है, लॉन्गेस्ट चेन 7 वाला है, लॉन्गेस्ट चेन 7, नंबरिंग 1 2 यहां से होगा क्योंकि ये नजदीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब क्या हो गया पेंटेन। ब्रांच कौन है यहाँ पे, C2H5 वाला ब्रांच है ना, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 पोजीशन पे, 4 इथाइल, पहले क्या आएगा 4 इथाइल, उसके बाद ये कौन है 7 वाला, हेप्टेन ना, हेप्टेन 1 सॉरी 2 3, हेप्टेन 2 3 डायल, 4 ethyl heptane 2 3 diol, ओके समझा सबको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर OH, जो 2 OH यहाँ पे, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 मतलब यहाँ पे पेंटेन हो गया, 1 और 2 पे है तो पेंटेन, पेंट 1 2 diol, पेंट 1 2 diol। नॉमिनक्लेचर नेक्स्ट नंबर 14 स्ट्रक्चर, अब यहां पे OH के साथ Cl भी आया है, Cl है, CH3 CH3 है, तो इसका नेम चलो, ये कार्बन 1 हो गया, एक कार्बन 2 है, एक कार्बन 3 है, ये 4 और ये 5, राइट ये है, मतलब इसको बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो 4 पोजीशन पे है,
CH3 मतलब क्या हो गया, मिथाइल हो गया। CH3 दो है मतलब डाइमिथाइल, सेकंड और थर्ड पे है, 1 2 3 4 5, फाइव मतलब क्या, पेंट पेंट वन ऑल हो गया। CH3 डाइमिथाइल और क्लोरो है, मिथाइल क्लोरो में फर्स्ट क्लोरो आता है, तो फोर फोर क्या होगा, क्लोरो, फोर क्लोरो, टू थ्री डाइमिथाइल पेंटेन, वन डाइमिथाइल डाइमिथाइल पेंट वन ऑल, राइट। IUPAC name is 4 chloro 2 3 dimethyl paint 1 on, right na? 15 structure number 15 or complicated. यही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में यहां पे कार्बन के अलावा आपको क्या देंगे, बॉन्ड लाइन देंगे, समझे, बॉन्ड लाइन, समझा क्या, वैसा भी दे सकते हैं, तो यहां पे ऐसा जीजा करके देंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, तो आपको स्ट्रक्चर वहां पे CH2 करके लिखना है, तो उसका भी प्रैक्टिस करना है आपको। यही स्ट्रक्चर ऐसा ही हो सकता है बॉन्ड लाइन में, 1 2 3 4 5 6 बराबर, उसके बाद ऊपर ब्रांच देखे CH2OH, नीचे ब्रांच देखे CH2CH, और ये है CH3, देखो कौन सी कौन सी ब्रांच है, ब्रांच को सर्कल करो पहले, एक CH2OH यहाँ पे है बराबर, CH2OH से वहां पे देखो CH2OH, आपको CH2OH से नंबरिंग करना है बराबर, ये नंबर क्या हो गया वन, ये नंबर होगा टू, ये नंबर होगा थ्री फोर फाइव, ये लॉन्गेशन आ रही है, ये लॉन्गेशन नहीं होगी, ये लॉन्गेशन नहीं होगी, राइट। अभी यहां पे ये पूरा का पूरा ब्रांच है, देखो ये पूरा ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच ये है, समझे, इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल ना, क्या नाम इसका, आइसोप्रोपाइल, और इस ब्रांच का नाम क्या है, CH2 मतलब क्लोरोमीथेन बोल सकते हो, या मिथाइल क्लोराइड मतलब क्लोरोमीथेन, क्या है, क्लोरोमीथेन, और ये आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल दूसरा नाम क्या है, IUPAC नाम क्या होगा इसका, टू मिथाइल इथाइल क्या होगा, टू मिथाइल इथाइल, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, पुड़े बोलते नहीं, वो कैसे पकड़ेंगे, OH कहाँ पे देखो, हाँ ये तो OH है, कहाँ OH, वहां ऊपर है OH वाला ब्रांच, ऊपर ये है ना, इसको साथ में लेना पड़ेगा, ये लेंगे तो ये क्या होगा, ये तो अलग ही होगा ना उसका, OH यहाँ पे, इसलिए 1 2 3 4 5 समझे, देखो ये ब्रांच का नाम क्या बोला मैंने, क्लोरोमीथेन, इसका नाम वन मिथाइल इथाइल बोल सकते हो, या आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हो, इसको आइसोप्रोपाइल भी बोलेगी तो भी चलेगा, आइसोप्रोपाइल या वन मिथाइल इथाइल, बराबर ना, यहां से ब्रांच बराबर, नंबरिंग बराबर है, यहां पे नंबरिंग करो, CH3 कहां पे है, वन पे, तो वन मिथाइल इथाइल बोल सकते हो, वन मिथाइल इथाइल, समझा ना, वन मिथाइल इथाइल, एक यहां पे देखो ब्रांच खोली है, इसलिए वन मिथाइल इथाइल हो गया, और ये CH2OH, देखो थ्री क्लोरोमिथाइल बराबर, उसके बाद ये जो ब्रांच है कहां पे है, सेकंड पे है, इसलिए टू वन मिथाइल इथाइल, या यहां पे बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल, पूरा ग्रुप क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल, और लॉन्गेशन में क्या है, पेंटेन वाला, पेंटेन का फर्स्ट वाले को OH है, इसलिए पेंटेन वन ऑल, समझा, समझा क्या, दिया
अब इसका नाम बोलो। आगे नेम बोलो क्या है। सी एच टू ओ एच, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे ओ एच, दो दो ओ एच दिख रहे आपको, राइट। आपने ये चेंज सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 2 2.5 डाइमिथाइल हेक्सेन 13 यहाँ पे फर्स्ट पे है और ओ एच यहाँ पे थर्ड पे है, तो डायल है, राइट। क्या है डायल, 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या हो गया, हेक्सेन हेक्स 1 3 डायल, और यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच कहाँ पे, सेकंड पे और थर्ड फोर फिफ्थ पे, फाइव पे, 2.5 डाइमिथाइल हेक्स 1 3 डायल, राइट सुधा। टू कॉम फाइव डाइमिथाइल हेक्स 1 3 डायल। स्ट्रक्चर नंबर 17 डबल वन दिख रहा है आपको, OH यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, थंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, OH नजदीक यहाँ से आएगा, 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड, ये कौन सा थर्ड पोजीशन आ रहा, राइट। थर्ड पोजीशन पे क्या है, OH है। टोटल नेम 1 2 3 4 5 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्सीन, हेक्सीन क्या हो गया, हेक्सीन, हेक्सीन मतलब फर्स्ट और सेकंड में, हेक्स 1 EN 3 OL। स्ट्रक्चर नंबर 18 BR डबल बॉन्ड OH सब कुछ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सेन, हेक्सेन क्या हो गया है, हेक्स टू EN BRH2 थर्ड, 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो हेक्स 2 EN 2 OL, राइट, समझ रहा है ना, 3 ब्रोमो हेक्स 2 EN 2 OL। स्ट्रक्चर नंबर 19 OHA इज नॉट अ बेंजीन, रिंग देख के बेंजीन का नाम आता है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, कौन नहीं है, साइक्लो है, साइक्लो सिक्स वाला, साइक्लो हेक्सेन है, साइक्लो हेक्सेन में फर्स्ट पे OH है, ये OH फर्स्ट, सेकंड थर्ड पे क्या है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स अल्कोहल्स, देखो ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन करना एंट्रांस के लेवल पे, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल अल्कोहल, और में क्या है, 2 raised to n-2। आइसोमर्स कितने होंगे अल्कोहल के, जैसे एक एग्जांपल आपने इथर में पढ़ा था, C4H10O वाला, राइट, C4H10O में कार्बन वहां पे कितने थे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन मतलब यहाँ पे कार्बन 2 raised to 4-2 कितना हो गया, 2 raised to कितना होता है, 4, मतलब उसके आइसोमर्स कितने मिलेंगे आपको, 4। आइसोमर्स कितने मिलेंगे, आइसोमर्स कोई भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, राइट, या फंक्शनल पोजीशन और एक दिया था आपको मैंने, चेन आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल अल्कोहल प्लस इथर, अल्कोहल प्लस इथर 2 raised to n-1-1। पॉसिबल आइसोमर्स फॉर इथर ओनली, अल्काइल अल्कोहल प्लस इथर 2 raised to n-1-1 और 2 raised to n-1-1 -1 2 raised to n-2, इसमें से ये माइनस करना है, अल्कोहल प्लस इथर के लिए 2 raised to n-1-1 और अल्काइल अल्कोहल के लिए 2 raised to n-2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन करना सब लोग, पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ इथर्स
नाम क्या लिखा है? पेमा चा हेमा नाम पेमा चा हेमा हो गया. Where here is the number of carbon atoms. Question, IUPAC name of dash. IUPAC name of these is 1, 2, 3, 3 है, 2 है, 2 पे 2 दोनों भी है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन रॉन्ग, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 राइट, 1 मिथाइल प्रोपेन 3 ऑल रॉन्ग, और 1 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल रॉन्ग राइट ना. आपको ऐसा भी क्वेश्चन है ये देंगे ऐसा, और साइड में ऑप्शन ऐसे रहेंगे, देखो साइड में ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं ऐसा ए बी सी और डी. फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसा है. तो बोलो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? हाँ ए फर्स्ट सेंटेंस क्या है इसलिए बोलो, ये कैसा है? ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, एक ट्रू है तो बीच में ट्रू है, ये वाला है समझा. आईयूपीएसी नेम ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस टिक 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 कितने हो गए? सिक्स. कभी कभी क्या होता है ये आईयूपीएसी लिखता है आपको आता है लेकिन ऑप्शन देके वापस गड़बड़ होता है. टू क्लोरो थ्री फोर डायमिथाइल पेंटेन ऑल राइट. नेक्स्ट फोर क्लोरो टू थ्री डायमिथाइल पेंटेन टू ऑल, और फोर क्लोरो टू थ्री डायमिथाइल पेंटेन वन ऑल, और डी है नन ऑफ दिस. आपने आंसर क्या निकाला? वन टू देखो OH यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5 OH यहाँ पे, तो वन ओएल होना, वन ओएल वाला कौन है इसमें? वन ओएल कौन है वो? सो ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. यस यस राइट सी. इनको आंसर नहीं आ रहा है, इनको यहाँ पे बैठे बस. तुम्हारा आवाज नहीं गया ना उसको. आईयूपीएसी नेम ऑफ OHBr. OHBr Br कहाँ पे? थर्ड पे है. ऑप्शन वन रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड रॉन्ग, ऑप्शन थर्ड रॉन्ग, ऑप्शन फोर्थ इज राइट. थर्ड पे दिख रहा है राइट, थ्री ब्रोमो. पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्का अल्कोहल कैन बी गिवन बाय 2:2 अल्काइल अल्कोहल्स, 2:n-1, 2:n, 2:n-2, 2:n-1 plus 1, n-2. Okay. Structure of functional group. Structure of methanol. Right? यही structure है. CH3OH bond angle यहाँ पे कितना है? 108.9 degree. Bond length ये कितने? 96 picometer. और ये कितना है? 142. Because आप यहाँ पे कौन है? CH3. तीन तीन हाइड्रोजन यहाँ पे खींच रहे हैं. यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है. तो bond length ये क्या हो गया? बढ़ गया 142. और ये कितना? 96. और ये जो O है, O कौन है यहाँ पे? sp3 वाला है. कितना? sp3. Bond angle कितना है? 108.9. जैसा HOH का स्ट्रक्चर है वैसा ये स्ट्रक्चर है. वाटर का स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर क्या सेम है, खाली बॉन्ड एंगल यहाँ पे 108.9 है. वाटर के लिए कितना आता है? 107 आता है. कितना? 107. इसका रीजन क्या है? ये CH3 राइट. सॉरी वाटर के लिए 104, नाइट्रो NH3 के लिए वाटर के लिए कितना है? 104 है. 104 रीजन ये. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल जहां पे एक कौन है? CH5. एक कौन है? H.
और बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 109 डिग्री। ये बॉन्ड लिंक कितनी है 136 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लिंक कितनी 142। यहाँ पे कितना आ रहा है 1, क्योंकि एक कार्बन और एक तीन क्या थे हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं C6H6 कार्बन एक है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, लेकिन ये कौन सा है sp2 वाला कार्बन है। कौन सा sp2। बॉन्ड लिंक 136 और ये 109 टू लोन पेयर, सेम स्ट्रक्चर वाटर जैसा। बॉन्ड एंगल बस कितना है यहाँ पे 109। नेक्स्ट इथर का भी आपने देखा होगा सेम। ओ कौन सा यहाँ पे sp3। सब में जो ओ है कौन है sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे कितना 1A वाटर से बढ़ गया, एक CH3 था यहाँ पे, दो दो CH3 है, दो दो CH3 खींच रहे, रिपल्शन बढ़ गया था, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 111.7 राइट। समझा 141 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल कितना 111.7, इसको बोल सकते हो 112 बोल सकते हो। लोन पेयर SO, वो जो सब में जो O है वो कौन है sp3 है, खाली बॉन्ड एंगल यहाँ पे 108, 109 और 111.7 थोड़ा सा डिफरेंस है 108 और 109। The bond angle COH in alcohol is slightly less than the tetrahedral bond angle. Tetrahedral sp3 वाले का bond angle कितना होता है 109.28, 109 degree 28 minutes। कितना होता है 109 degree 28 minutes। लेकिन यहाँ पे bond angle कितना मिल रहा है आपको, alcohol में कितना मिल रहा था 108.9 डिग्री राइट, स्लाइटली लेस है। इसका रीजन इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन राइट। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 130 पिकोमीटर इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द मेथेनॉल। कितनी थी फिनॉल में कितना था वहां पे द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल 136 है, वहां पे कितना 142 था 142 और यहाँ पे कितना है फिनॉल के लिए कितना है 136। फिनॉल ग्रुप बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन का बॉन्ड लिंक कितना 136 है, और यहाँ पे CH ग्रुप और ऑक्सीजन का बॉन्ड लिंक कितना है 142 अल्कोहल के लिए, मिथेनॉल के लिए राइट, स्लाइटली लेस 136 और 142 इज ड्यू टू द फर्स्ट रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे कार्बन है। सेकंड जो है sp2 कार्बन अटैच टू द OH इन अ फिनॉल। थर्ड रीजन सॉरी ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल अल्कोहल फिनॉल के इथर, वही बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना 111 है, यहाँ पे 109 है, यहाँ पे 108.9 ड्यू टू द बिग साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड द ऑक्सीजन राइट। बिग साइज किसके इथर में कितने है, यहाँ पे कितना है CH5, यहाँ पे कितना है CH3 है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ अल्कोहल इथर और फिनॉल, अल्कोहल और इथर दोनों स्लाइटली जरा सा वहां पे कितना था वो भी CH3 ना, तो बॉन्ड लेंथ कितना हो गया सेम होगा वहां पे अल्कोहल के लिए इथर के लिए सेम होगा ना। OCH3 बॉन्ड लेंथ कितना है 142 है, दोनों के लिए क्या हो गया सेम, और फिनॉल के कितना 136, तो 142 इज ग्रेटर देन यूज ऑफ मिथेनॉल। फर्स्ट यूज इंडस्ट्रियल एथेनॉल फॉर ऑयल फैट्स गम्स एक्सेट्रा। मिथेनॉल का याद रखना नाम मिथेनॉल, जिसमें कार्बन कितना होता है 1, यूज फॉर ऑयल फैट्स गम्स। सेकंड यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स। परफ्यूम जो यूज करते हैं वो कौन है मिथेनॉल है। एस एंड एंटी फ्रीजिंग एजेंट, फ्रीजिंग का पॉइंट एंटी फ्रीजिंग एजेंट। टू प्रिपेयर द क्लोरोमीथेन डाइमिथाइल सल्फेट एंड व्हाट इज द फॉर्मल्डिहाइड, ये आपने रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में पढ़ा है राइट, प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि इसका जब ऑक्सीडेशन करते हो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है आपको एल्डिहाइड कीटोन राइट, और कार्बोनिक एसिड क्लोरोमीथेन भी फॉर्म होता है। Use of ethanol as a solvent for dyes, oil, perfume, cosmetic drugs. वो भी perfume के लिए, ये भी perfume के लिए use करते हैं, right? Second use mixture of very important mixture of 10-20% ethanol with petrol used as motor fuel.
कभी भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां पे पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है वहां पे इथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल, क्या लिखा रहेगा वहां पे? इथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल, कभी जाए देखो वहां पे लिखा रहता है। इसका रीजन क्या है? 10-20% क्या होता है उसके अंदर रहता है इथेनॉल, बस इस पेट्रोल इज यूज एज अ मोटर फ्यूल। अल्कोहलिक ब्यूरेज वाइन्स बोला मैंने, जो बियर हो जाती ना उसके अंदर क्या रहता है? इथेनॉल। अल्कोहलिक ब्यूरेजेस एपेटी टॉपिकल एंटीसेप्टिक इज अ यूज एज अ एंटीसेप्टिक यूज फॉर प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म एसिडिक एसिड। किसके लिए? क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, क्लोरोफॉर्म तो बनेगा आइडोफॉर्म बने, लेकिन एसिडिक एसिड बने क्योंकि एसिडिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? एसिडिक एसिड कार्बन कितने होते हैं? 3 कार्बन। तो ग्रिड्डा रीजन यूज करके कर सकते हो, राइट? नोट रेक्टिफाइड स्पिरिट्स पॉइंट नोट डाउन करने लायक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज इक्वल टू 95.6% इथाइल कोल प्लस 4.4% वाटर इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस नाम का मिक्सचर का नाम क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रांस। रेक्टिफाइड स्पीड क्या है वो? 95.6% क्या होगा यहाँ पे? इथाइल अल्कोहल रहेगा, याद रखना इज ऑल्सो यूज ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल उसके अंदर वाटर कितना रहेगा? ओनली 4.4% थोड़ा सा वाटर रहेगा। उस मिक्सचर का नाम क्या है? एजियोट्रॉपिक। ज्यादा से ज्यादा क्या 95.6 है पावर अल्कोहल, अल्कोहल लेने से पावर बढ़ती है। क्या है पावर अल्कोहल? 20% क्या इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल है, 80% क्या पेट्रोल। पेट्रोल पीते नहीं वो पावर बढ़ती इसका, जो अभी पेट्रोल यूज करते ना उसमें बोला ना कितना 20% क्या रहता है इथेनॉल, 80% क्या है पेट्रोल है ना, पावर बढ़ती है। वही वाइन यूज करते तो पावर बढ़ती ना। आदमी जो खिलता रहता वो खड़ा रहता है ऐसा एकदम, जिसके मुंह से कभी आवाज निकलता नहीं वो आवाज निकलता है। पावर बढ़ाता है वो। एब्सोल्यूट अल्कोहल नथिंग बट इज अल्कोहल कंटेनिंग नॉट मोर देन 1% ऑफ वाटर, मतलब प्योर रहेगा ये। कितना? 1% वाटर। कितना अल्कोहल कितना चाहिए? 99% अल्कोहल चाहिए और 1% वाटर। वाटर 1% से ज्यादा चलेगा नहीं तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। पॉइंट पूरे के पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको एंट्रेंस के लिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग नॉट मोर देन 1% वाटर एंड 99% प्योर इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट द एमसीक्यू, अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ करेस्पॉन्डिंग अल्केन ड्यू टू। अल्कोहल हैव, इसका रीजन सबको आना चाहिए, बताना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉडी कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉडी इंट्रा या इंटर, इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंटर मॉलिक्यूलर? ऑप्शन फर्स्ट मेटलिक बॉन्ड आएगा नहीं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेक्स्ट है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फोर्थ है नन ऑफ दिस। ए और डी तो 100% नहीं है, बी और डी में आपके मन में 50-50 है, राइट? कौन सा होगा? इंटर या इंट्रा? इंट्रा का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग होते हैं, इंटर का मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं। किसकी बात की है? हाई बॉइलिंग पॉइंट की बात की है। हाई बॉइलिंग पॉइंट कब होगा मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए? तो क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूल। पर सोच बदलने का, आंसर बदल जाएगा। फॉलोइंग यूज एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, अभी आपको पढ़ा मैंने एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इसमें कौन है? मिथेनॉल या इथेनॉल, दोनों में से एक होगा। दोनों के वजह से क्या आपने ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये कंफर्म। कौन?
ethanol, right? Following is as alcoholic beverage. सबको पता है कौन मिथेनॉल या इथेनॉल? इथेनॉल, इथेनॉल। मारुतन बोल गया। इथेनॉल इज राइट। 95.6% इथाइल अल्कोहल एंड 4.4% वाटर इज क्या बोलेंगे इसको? पावर अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। रेक्टिफाइड स्प्रिट, तीनों में से एक रेक्टिफाइड स्प्रिट राइट आंसर। नेक्स्ट मोर सीओ बॉन्ड लिंक, सीओ सीओ बॉन्ड लिंक ऑफ सीओ इज ऑब्जर्व इन, मोर सीओ बॉन्ड लिंक ऑफ सीओ इज ऑब्जर्व इन। ऑप्शन है अल्कोहल, नेक्स्ट ऑप्शन है फिनॉल, थर्ड ऑप्शन है बोथ आर इक्वल एंड डी है ईथर। सीओ बॉन्ड लिंक किसमें ज्यादा है? फिनॉल कितना है? किसका मोर सीओ बोला है? सीओ बॉन्ड लिंक बोथ आर इक्वल नहीं होगा। कितना 142 ना हो गए, 142 वाला ना, इधर में भी 142 है तो ऐसा होना चाहिए, ये ऊपर चाहिए था, ये ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, है? चलो बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन सीओ ऑफ मिथेनॉल, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन सीओ ऑफ मिथेनॉल। 142 और ये 136 है, राइट? बिकॉज आपको रीजन दिए थे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सेकंड रीजन sp2 कार्बन अटैच टू द OH, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ दिस, क्या होगा? दोनों रीजन दिए थे आपको, देखो sp2 OH रीजन क्या, दोनों थे क्या? एक ना दोनों थे ना, दोनों आने चाहिए फिर। और भी है, खत्म नहीं हुआ? थैंक यू बोले तो बाय बाय सर बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन देते हैं, अल्कोहल ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चंस। वो तुम्हारा कैसा टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे, अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, लेवल 1 के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। ये समझ में चलो देखते हैं, सब देखना पड़ेगा। CnH2n plus O, CnH2nO, general formula of the monohydric alcohol. CnH2n minus 1 O, क्या होगा? CnH2n plus O OH, right now? बराबर ना, CnH2n plus 2, बराबर, C5H10, बराबर है। ये क्यों आ रहा है ऐसा? एक मिनट चेक कर दो, जरा 1 मिनट लंच। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड वन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज CH2OH, CHOH या COH या C डबल बॉन्ड O, प्राइमरी अल्कोहलिक बोलो। ये है ना CH2OH,
ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, या वन प्रोपेनॉल, या वन बिटेनॉल, या टू पेंटेनॉल. टू पेंटेनॉल. टू प्रोपेनॉल कौन सा बोला है? सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी मतलब प्रोपेन टू ऑल होना. पेंटेनॉल यहाँ पे टू ऑयल देखो. टू मिथाइल टू प्रोपेन ये तो नहीं होगा ना. टू मिथाइल टू डी होगा. टू पेंटेनॉल राइट. ऑप्शन नंबर वन टू थ्री यानी सेकंड पे. यहाँ पे देखो सेकंड पे ओ एच है इसलिए क्या हो गया वन टू थ्री फोर फाइव. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अल्कोहल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी. इथाइल अल्कोहल नो. दो ही कार्बन. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नो. नियोपेंटा अल्कोहल. नियो में नहीं होता है. अब भी एग्जाम्पल देखा आपने. टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल जहां पे दो सी एच थ्री ग्रुप है, एक सी एच थ्री साइड वाला और वहां पे कौन है? ओएल भी है. कौन है? ओएच भी है. देखो स्ट्रक्चर इसका जैसे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री बीच में क्या हो गया सी और यहाँ पे क्या आएगा ओएच. चलो नवरत्न आवाज आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिथाइल पेंटेन वन ऑल इज प्राइमरी अल्कोहल. देखो प्राइमरी सेकेंडरी से बोलते वन हुए ना यहाँ पे तो उधर से मालूम पड़ेगा प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल या इनॉल. क्या होना चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल. यहाँ पे ओ एच टू मिथाइल यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और पेंटेनॉल फर्स्ट कार्बन को ओ एच है. चेक वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या है? प्राइमरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सी एच टू ओ एच. ये तो आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. बोलो प्राइमरी. क्वेश्चन हुआ था एज बोथ प्राइमरी कार्बन आइटम. सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच इज अ ग्लिसरॉल. इट डजंट कंटेन डैश अल्कोहल ग्रुप. Doesn't contain dash alcohol. CH2OH, CHOH, CH2OH. The glycerol. It doesn't contain. Option देखो. Primary. Not contain primary. Not contain secondary. Not contain. Does not contain. बोला है. Tertiary. या both primary secondary. बोलो. Primary and secondary. क्या बोलो? Fourth option. CH2OH, CHOH, CH2OH is a glycerol. It doesn't contain. Tertiary. सीधा देखो ना, ये CH कौन है? प्राइमरी है. ये CH कौन है? सेकेंडरी है. ये कौन है? प्राइमरी है. प्राइमरी सेकेंडरी है मतलब कौन सा नहीं है? टर्शियरी नहीं है. समझे? समझा ना? टू प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी. ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी प्राइमरी है. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल फॉर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इज. पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इज दिमाग में एक एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है? पॉलीहाइड्रिक वाला. देखो मिथाइल अल्कोहल नियोपेंटा अल्कोहल पॉलीहाइड्रिक बोला है. मैनिटॉल. सोलो से देखो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रिक मतलब ओ एच ग्रुप ज्यादा चाहिए ना. इसमें किधर ओ एच तो नहीं आ रहे. इसमें तो वन ओ एच है, इसमें तो वन बी ओ एच है, इसमें भी क्या है? न्यू पेंटाइल सेकेंडरी बिटल को सब में ओ एच ओ एच ओ एच दिख रहा है. यही सॉर्बिटॉल है यानी मैनिटॉल. या मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल और
hexahydric alcohol. The number of primary, second, tertiary alcohol group in mannitol or sorbitol is R dash. इसका structure. इसमें जो first कौन सा था सब एक primary, दो primary, एक दो primary रहेंगे last वाले. बीच में जो सबके सब है वो कैसे रहेंगे? Second रहेंगे. तो secondary कितने होंगे? चार. कितने होंगे? चार. तो question क्या है? Primary, second, tertiary group alcohol. Primary कितने होंगे? सेकेंडरी कितने होंगे? फोर. टर्शियरी कितने होंगे? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है. ऑप्शन सीधा ऑप्शन 240 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 140, थर्ड ऑप्शन 220 एंड फोर्थ ऑप्शन 211. फर्स्ट टू फोर एंड वर्ड जीरो. प्राइमरी कितने हैं? टू है. सेकेंडरी कितने हैं? फोर है. और टर्शियरी कितने हैं? नन, जीरो. CH2OH, CHOH और CH2, यहाँ पे 1, 1 प्राइमरी हो गया और ये H2 प्राइमरी एंड 4, नो टर्शियरी. सो ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10. आईयूपीएसी नेम ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल आईयूपीएसी नेम. बराबर 2-methyl-2 क्या ना चाहिए? प्रोपेन टू ऑल. बराबर ना? सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी सेकंड वाला कार्बन. सेकंड कार्बन को होना है OH. सेकंड कार्बन को ऑप्शन बी 2-butanol. 2-butanol, 1-butanol, 2-methyl-2-propanol. ये नहीं होगा, वो भी नहीं है. सेकंड. ओके, सीधा स्ट्रक्चर या OH यहाँ पे है. ये कौन है? 1, 2, 3, 4 मतलब सेकेंडरी. 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 11. द अदर नेम ऑफ द आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल इज. अल्कोहल को ही कार्बिनॉल बोलते हैं. आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, प्रोपेनॉल ना. आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल इज 2-methyl-2-propanol, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. कौन है? सेकेंडरी आइसोब्यूटाइल. फोर्थ है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. कार्बिनॉल क्या है? 2-methyl आइसोप्रोपाइल. स्ट्रक्चर देखते CH3CH2OH, CH3 1, 2 एंड व्हाट इज द 3. सेकंड पे 2-methyl, 1, 2, 3 यानी क्या? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब ब्रांच है ना, तो क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 1, 2, 3, 4 ना. बराबर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल. द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेन अल्कोहल. अब ग्रेन अल्कोहल किसको बोलते हैं? मिथेनॉल या इथेनॉल? इथेनॉल. CH3OH, C2H5OH या CH3CH3, 1 या 2 दोनों में से ये भी नहीं होगा. कौन ग्रेन अल्कोहल? ग्रेन अल्कोहल कौन है? इथाइल अल्कोहल. एज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड ग्रेन. मालूम है किससे ऑब्टेन होता है? मोलासेस वगैरह था ना, शुगर केन निकालते, उसका जो मोलासेस उससे निकालते हैं, राइट? स्पीड ऑफ वाइन इज द कॉमन नेम ऑफ. स्पीड ऑफ वाइन कॉमन नेम ऑफ. ये है? नहीं है. ये है? ये है? ये नहीं. ये भी नहीं है. कॉमन नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज स्वीट ऑफ वाइन, एज अ यूज इन अ मेकिंग ऑफ वाइन.
Next, an isomer of the ethanol is. Isomer of ethanol is. क्या होता है isomer? Ethanol का isomer. Methanol, dimethyl ether, या acetone, या diethyl ether. इथेनॉल में कार्बन कितने हैं? दो. दो कार्बन वाला कौन है यहाँ पे? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है. CH3 दोनों का फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग है. इसका फंक्शनल OH है, इसका कौन है? O है, डैश O डैश. इथेनॉल इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ डाइमिथाइल. ऑप्शन क्या होगा? Next, which one of the following compound is the isomer of 1-butanol? 1-butanol मतलब कार्बन कितने हो गए? कार्बन कितने हो गए? 4, बराबर. O and OH. 2-methyl-2-butanol. 2-methyl-2-butanol. 3-methyl-2-butanol. और 2-methyl-1-propanol. 1-butanol में कार्बन कितने? 4 है. बाकी कार्बन देखो कितने यहाँ पे? 2-methyl 2 कार्बन नहीं होगा, 1-methyl नहीं होगा, 2-methyl 2 यहाँ पे नहीं होगा, 3-methyl ना. हाँ सॉरी, एक मिनट चेक करो. 1-butanol बोला ना, यहाँ पे देखो 2-methyl ये हो रहा है. एक कार्बन और 3 हो गए प्रोपेन के, 4 कार्बन हो गए, 4 और इससे मैच हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन से मैच हो रहा है. राइट, 1-2-3 नहीं होगा, 1-2-3 नहीं है, कौन सा आएगा? 4. ये इसके क्या हो गए? आइसोमर्स. ये है, ये कौन है? 1-butanol, बिटेन 1 ऑल, और ये कौन है? 2-methyl प्रोपेन 1 ऑल. Which one of the following pair of compounds are functional isomers? Functional isomers. Functional isomers मतलब उनसे functional group क्या होने चाहिए? Same. Which one of the following pair of compounds? CH3, CH2, CH2OH. Now CH3, CHOH, CH3. Functional ना? देखो functional. CH3, CH2. Option देखो आपके पास 4 option है. Functional isomers. ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है. राइट, नेक्स्ट, ये अल्कोहल है CH3 2. नंबर ऑफ कार्बन भी देखो, चेक करो, 1-2-3. 3 कार्बन यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2-3-4 है, नहीं होगा, शिक्रण नहीं होगा ना, 4 कार्बन. कार्बन इक्वल होना चाहिए, 1-2-3 कार्बन है यहाँ पे, 1-2-3 कार्बन है, और सीएल ग्रुप है यहाँ पे, ओएच ग्रुप है. वन टू थ्री यस, मिल गया, मिला क्या? यहाँ पे ओएच फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे कौन है? इथर वाला ग्रुप है, समझे? फंक्शन में फंक्शन ग्रुप क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए. यहाँ पे Cl है, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम. इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर भी अलग आ रहा है, और फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, समझे? मतलब ये आइसोमर है, ये आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है? Cl है, ग्रुप ही चेंज किया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या? नहीं होगा. इसमें फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन ये दोनों भी क्या अल्कोहल है ना, ये भी अल्कोहल, वो भी अल्कोहल है, मतलब फंक्शन ग्रुप चेंज हुआ नहीं है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. ऐसा कौन? राइट, इथर अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इथिलीन बाय रिएक्शन विथ, ये तो नेक्स्ट में देखेंगे, पर एटलेटिक ऑक्सीडेशन. बाकी आप आगे के पार्ट प्रिपरेशन करना, अभी क्या मेथड प्रिपरेशन और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज. Okay, students, online, let's stop here.